हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं नौवीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.2 का नौवें प्रश्न का पहला सवाल मैं कराऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की जाएगी अगर आपने ध्यान दिया तो। इसमें क्या पूछा गया है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की टंकी, यानी कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है। तो सवाल ये उठता है कि वक्र क्या है या फिर पार्श्व क्या है। तो मैंने क्या कहा आपको को कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखने की जरूरत है बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, आपको पता है कि एक बंद बेलनाकार जो टंकी दोस्तों वो इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। और ये सभी बच्चों को बनाने के लिए आना चाहिए, तभी सवाल हो पाएगा। जिसकी हमें पता है कि इसकी जो ब्याज होते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो बीच में वृत्त के बीच से जो लाइन जाती है उसको क्या बोला जाता है, ब्याज बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ब्याज है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4.2 मीटर दे रखा है। अब इसी बेलन की ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो रेखा, उसको क्या बोला जाएगा, ऊंचाई। तो हमारे पास ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो बिल्कुल आपने सही सोचा, ऊंचाई जो है दोस्तों वो हमारी कितनी दे रखी है, 4.5 मीटर। तो ये होगी बेलन की ऊंचाई और ये होगी, ठीक है, ये होगी बेलनाकार पेट्रोल टंकी की क्या होगी दोस्तों, ये है इसका ब्यास, ठीक है, ये ऊंचाई और ये ब्यास। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे सामने लिख देना है ताकि कोई भी चीज़ें हमें जरूरत हो तो हमें मिल जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्याज कितना दे रखा है, 4.2 मीटर, ठीक है दोस्तों, ब्याज दे रखा 4.2 मीटर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमें जो ब्याज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है और वही त्रिज्या हम निकालेंगे। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि त्रिज्या जो निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, इसका 4.2 का आधा कर देंगे और इस त्रिज्या को आर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब आप इसको आधा करेंगे यानी कि इसको भाग करेंगे, तो हम इसको आधा इस तरीके से भाग करके करते हैं, तो दो क्विंटल में 4 आता है दो बार में, तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 में से 4 क्या कुछ नहीं बचेगा, ये जो पॉइंट है दोस्तों इसको पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, ऊपर से उतारिए 2, तो क्या 2 क्विंटल में 2 आता है, तो एक बार में आता है, तो 2 एकम 2 आ गया, तो 2 में से 2 गया कितना बचेगा दोस्तों, 0। 2 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। तो मेरे पास आंसर कितना दोस्तों, ये 2.1 मीटर, और ये हमारी क्या दोस्तों, ये हो गई इसकी त्रिज्या जो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इसकी ऊंचाई, जिसको हम एच वी लिखते हैं, इसकी ऊंचाई दे रखिए 4.5 मीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसकी ऊंचाई को ध्यान में रख सकते हैं। अब वो काम करना है जो पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, अब मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपके मन में ये चल रहा है कि सर आपने वक्र ही क्यों लिखा, पार्श्व क्यों नहीं लिखा। देखिए दोस्तों, वक्र पार्श्व हो चाहे वक्र हो, दोनों को एक ही समझा जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, आपको पता है तो आप कुछ ही बोलते रहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरे पास जो मार्कर है दोस्तों, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, ये एक बेलनाकार है, ठीक है। अब इसको बेलनाकार तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो बेलनाकार है दोस्तों, तो आपको पता है कि ये तो चारों तरफ जो दिख रहा है, ठीक है, चारों तरफ दिख रहा है, इसको क्या बोला जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनिए, इसी को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसी को ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, दोनों बात क्या दोस्तों, सेम है। अब रही बात कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जब हम ये भी जोड़ देते हैं, ठीक है, ये सामने जो दिख रहा है ये और इसके इस तरफ वाला, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये, तो ये भी जोड़ दिया और इसका भी क्षेत्रफल, दोनों साइड का, दोनों तरफ का क्षेत्रफल हो गया और बीच का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। लेकिन हमें कुल की बात नहीं की गई है, इसका मतलब हम इधर को नहीं गिनेंगे और नहीं तो हम इधर से को लेना देना है, तो हमें लेना देना है ये सामने वाले, ठीक है, क्षेत्रफल से, जिसको वक्र या पार्श्व कहा जाता है। आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, यानी कि इस बेलन के चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था, जिसका फॉर्मूला मैंने वहाँ पर लगा दिया, तो 2 का 2 लिखेंगे दोस्तों। अब आपको पता है कि पाई की जगह हमेशा 22/7 लिखते हैं, तो बिल्कुल आराम से और प्यार से 22/7 इसको लिख सकते हैं। अब रही बात आर, आर को क्या बोला जाता है, त्रिज्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, तो त्रिज्या कितने दोस्तों, 2.1 मीटर, तो 2.1 मीटर हो गया, फिर गुना का निशान। फिर एच कितने दोस्तों, एच मतलब क्या होता है, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लिखिए, चाहे यहाँ से लिखिए, चाहे यहाँ से लिखिए, सब जगह एक ही है, यानी कि 4.5 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का 2 22 का 22/7,
अब यहाँ पे 21 का 21 लिखेंगे, पॉइंट अभी छोड़ दीजिए। अब हमें पता है कि पॉइंट के पीछे एक संख्या है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 10, यानी कि एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को मन में ये सवाल होगा कि अगर पॉइंट के पीछे दो संख्या आ गई तो क्या करेंगे, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर पॉइंट के पीछे दो संख्या आ जाती है, ठीक है, तो नीचे हमें यहाँ पे क्या लगा देना बट्टे में 100, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा आ जाता है 2.70 आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 277, ठीक है, पॉइंट हटा के, और पॉइंट के पीछे दो संख्या, तो यहाँ पे 100, इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे। ये छोटी छोटी जानकारी अगर आपको मिल गई दोस्तों और आपको पता हुई तो आप बहुत तेज़ी से मैथ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट को बिना सोचे समझे, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है, सीधा 45 लिखना है, और पॉइंट के पीछे एक ही संख्या है तो नीचे यहाँ पे 10 लगा देंगे, ठीक है। अब मैं बड़े आराम से बड़े प्यार से काट सकता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 7 के टोल में 21 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 3 बार में, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 2 के टोल में क्या 10 कटेगा? 5 बार में कटेगा। और हमें यह भी पता है कि 5 के टोल में 45 कटेगा 9 बार में, है ना। तो ये होता है आसान तरीका, बहुत ही बेहतरीन तरीका, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास क्या बचा हुआ, 22 गुने में 3 कितना हो जाएगा 27, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 9, और नीचे क्या बचा हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस सिर्फ बचा हुआ 10। तो एक बात बताइए, क्या अभी भी और कट सकता है? बिल्कुल सही सोचा दोस्तों, 2 के टोल में 22 कटेगा 11 बार में, और 2 के टोल में 10 कटेगा 5 बार में, ठीक है। ऐसी नजरें होनी चाहिए ताकि तुरंत पता चल जाए, 11 बचा हुआ है और गुने में 3 कितना हो जाएगा 27, और बटे में कितना रहेगा 5। अब हम अगर मैं 11 को 27 से गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 297, ठीक है, और नीचे कितना बचेगा 5। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को भाग कर दीजिए और आंसर आपके हाथों में यूं नाचेगा तुरंत फटाफट, ठीक है। तो देखते भाग करते 297, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 के टोल में 29 नहीं आता है, तो 29 से कम आता है 25 आता है, 5 के टोल में 25 आता है, ठीक है, 5 बार में, तो 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, ऊपर से उतारेंगे 7, तो 5 के टोल में 47 नहीं आता है, तो 47 से कम आता है 9 बार में, 5 में कितना हो जाएगा 45, और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, क्योंकि अब हम यहाँ पे 5 के टोल में 2 नहीं ला सकते, लेकिन अब हम यहाँ से हम एक तरीका करेंगे, वो तरीका क्या दोस्तों, पॉइंट लेके 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो 5 के टोल में 20 आता है 4 बार में, ठीक है। तो 20 में से 20 क्या कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमारा आंसर क्या दोस्तों, ये सबको काटने पर कितना आंसर आया बताइए, बताइए जरा। तो इस सबको काटने पर आंसर आया 59.4, ठीक है, यानी कि 59.4, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अब मुझे बताइए क्या मजा आया कि नहीं आया दोस्तों, अगर मजा आया ना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की तरफ, नोवे का पहला प्रश्न हो गया, अब इसी नोवे का अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ, जब तक आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं आपको वो सवाल कराने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है दोस्तों, और है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप इस चैनल के साथ बने हुए और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि दूसरे बच्चों से बेहतर आपको समझ में आया, और यहाँ तक आप दूसरे को भी समझा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। इन्होंने ये बात कही दोस्तों कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना हिस्सा लगा होगा। तो सबसे पहली बात, हमें कुल हिस्सा निकालना है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वो क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। यदि कुल, ठीक है, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में क्या हो गया दोस्तों, नष्ट हो गया, ठीक है। यानी कि अब आपको समझ में आना होगा दोस्तों, और समझना भी पड़ेगा वो इस तरीके से कि उन्होंने क्या बोला कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना हिस्सा लगा होगा, कितना हिस्सा लगा होगा, कब, जब इस इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया, यानी कि जो भी मटेरियल आया था इस बेलनाकार पेट्रोल की टंकी बनाने में, ठीक है, जो भी मटेरियल आया था, मटेरियल जो भी सामान आया था इस बेलनाकार टंकी को बनाने में, ठीक है, उनमें से कुछ हिस्सा क्या हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है ना। अब नष्ट हो गया दोस्तों, तो अब जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, यानी कि कितना नष्ट हुआ है, 1/2 भाग क्या होगा बनाने में, नष्ट हो गया। तो अब जो बचा हुआ जो भाग है दोस्तों, तो उसी भाग को इन्होंने क्या बनाया, एक बेलनाकार टंकी इन्होंने बना दिया। अब आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, यानी कि जो भी सामान आया था बेलनाकार टंकी को बनाने में वो उतने का नहीं बना, उनमें से 1/2, 1/12 भाग है दोस्तों वो खराब हो गया और उसको हटा दिया गया। अब जो बच्चा हुआ है, जो बच्चा हुआ है, और वही बेलनाकार टंकी बन के तैयार होती है। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम देखते हैं कि कुल हमारे पास कितना आया था, वो पहले देख लेते हैं कि कुल हमारे पास बेलनाकार टंकी बनाने में कितना आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या होता है 2πr और h+r, ये होता है फॉर्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों,
यहाँ पे टू का टू लिखेंगे, पाई की जगह 22 बटे 7 हो जाएगा, और जैसे कि आप सभी को पता है कि आर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 2.1, तो 2.1 यहाँ पे 1 लगाएंगे। फिर उसके बाद ऊंचाई कितनी दोस्तों 4.5, 4.5, और इसकी आर यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ क्या आपको पता है 2.1, तो 2.1 यहाँ पे हो जाएगा 1। अब मैं क्या करूँगा कि 2 फिर 22/7, क्योंकि ये 2.1 है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि बिना पॉइंट हटाए के आप लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट हटाइए, और क्योंकि पॉइंट के पीछे एक संख्या तो नीचे आप 10 लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 और 2.1, तो 5 हो जाएगा 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, और 4 2 6 यानी कितना आ गया 6.6 आ गया, ठीक है। अब हम इसमें भी क्या करेंगे कि इसका भी हम पॉइंट यहाँ पे हटा देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 6.6 आ गया। अगर 6.6 आया दोस्तों तो इसका भी पॉइंट हम हटा सकते हैं, और इस पॉइंट को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 66 और नीचे 10 लिख सकते हैं। ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं लिखेंगे तो सवाल बहुत ही ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कठिन हो सकता है। तो 7 के टोटल में 21 कटेगा 3 बार में, ठीक है दोस्तों। फिर और क्या कर सकता है, और देखिए और कुछ इसमें कोई चांस है दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसको हम काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो ऐसे करिए सीधा गुना करिए, तो 2 के टोटल में 22 हो जाएगा दोस्तों, 2 के टोटल 2 का टेबल 22 पर पड़ेंगे कितना हो जाएगा ये, ठीक है ये हो जाएगा 132, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 44, 2 के टोटल 22 पर 44, और ये हो जाएगा 3 गुना में कितना हो जाएगा 66, और नीचे कितना बचेगा 10 गुने 10, ठीक है। अब नहीं दिखाई देगा तो इसलिए थोड़ा हम नीचे कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होने। बस आपको क्या करना है, इस प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, क्यों इतना बड़ा केस होगा, आप समझ गए तो बड़े से बड़े प्रश्न आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, जब 22 को अगर मैं गुना करूँगा दोस्तों कितने से, 3 से नहीं, 44 को अगर मैं गुना करूँगा 3 से तो कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, ठीक है, और गुने में कितना हो जाएगा इधर 66, और नीचे कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। अब ठीक है, ये जो 100 बचा है दोस्तों, तब मैं क्या करूँगा, इस 132 को 66 से गुना करूँगा, 132 को मैं कितने से गुना करूँगा 66 से, कितना हो जाएगा 6 2 12, 6 6 18 हो जाएगा 19, 1 8 से, ठीक है, 6 कम 6 और कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 6 2 9 हो जाएगा 12 और 1 हासिल, 6 3 18 कितना हो जाएगा 19 हासिल मिलाकर और 1 हासिल, 6 कम 6 और कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 2 9 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 11, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, और 1 हासिल मिला के कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 7 और कितना हो जाएगा 8। तो अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने इन दोनों को गुना करा तो 8712 आया, तो मैं यहाँ पे इसको हटा के लिख सकता हूँ दोस्तों कितना आया, ठीक है ये आ गया, ठीक है 8712, और नीचे कितना दोस्तों नीचे 100 है। अब आपके पास क्या रास्ता है, अब आपके पास ये रास्ता है दोस्तों, ठीक है, वो रास्ता बहुत ही आसान है कि कभी भी नीचे 100 देखो या 10 देखो तो समझ जाना कि जितना 0 रहेगा उतने पीछे से पॉइंट छोड़ देना है, जितना 0 रहेगा उतने पीछे से पॉइंट को छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 0 है तो पीछे से 1 यानी कि 2 भी छोड़ दीजिए और 1 भी छोड़ दीजिए, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 8 7 पॉइंट 12, ठीक है ना, कितना आ गया दोस्तों समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 2 0 है तो पीछे से आपको 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देनी है, तो मैंने यहाँ पे 12 छोड़ दिया, 2 और 1 को छोड़ के यानी कि 12 छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। तो यही आपका क्या दोस्तों, यही आपका आंसर है, और किस में है, मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि सभी चीज़ें जो दी है दोस्तों वो मीटर में दी है, इसलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर आया। लेकिन क्या दोस्तों, क्या ये हमारा आंसर है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ हिस्सा है दोस्तों वो हमारा बेकार गया है, यानी कि 1/12 भाग जो है वो नष्ट हुआ है, तो उसको हमें सॉल्व करना है, इसको जैसा है वैसे के यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं उस दूसरे मीटर की तरफ जहाँ पे इस समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ इसे ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल पृष्ठीय, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे, जगह कम है दोस्तों, इसलिए एक ही बोर्ड पे सभी चीज़ें नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, और इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं, अब इन सब चीज़ों को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी तरफ, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, ताकि आसानी से हो जाए। अब माने कि कुल इस्पात कितना आया था, यानी कि हमें नहीं पता है कि स्टील इस्पात कितना आया था, हमें नहीं पता है, क्योंकि इस्पात का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टील, यहाँ पर जो इस्पात दिया ना इसका मतलब होता है स्टील, ठीक है, स्टील। तो कुल स्टील यानी कि यहाँ पे लिख सकते कुल, ठीक है, कुल इस्पात, तो उसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, उसको हमने x मान लिया, ठीक है, नष्ट भाग, ठीक है,
ठीक है, नष्ट हुआ भाग, नष्ट हुआ भाग कितना दोस्तों, इसी x का, ठीक है, इसी x का कितना नष्ट हुआ है, ठीक है, एक बट्टे बारह भाग, ठीक है, जो भी यहाँ पर कुल इस्पात जो आया था उसका हमने x मान लिया और उसका एक बट्टे बारह भाग क्या हुआ बनाने में नष्ट हुआ, तो मेरे पास आंसर कितना दोस्तों, x को x से गुना करें तो x बट्टे बारह हो गया। तो अब ठीक है, अब क्या हो दोस्तों, ठीक है, अब नष्ट हो गया है तो बताओ इस टंकी को बनाने में कुल कितना हिस्सा लगा होगा, कुल कितना हिस्सा लगा होगा, इस यानी कि कुल कितना हिस्सा लगा होगा, यानी कि अब यहाँ पे जो ये जो नष्ट हुआ दोस्तों, ये जो नष्ट हुआ है, तो ये नष्ट हुआ तो अब ये सो हटा देंगे, अब इसको तो हमें जरूरत नहीं है, तो वही चीज़ हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ भाग, तो बचा हुआ भाग कितना हुआ दोस्तों, कुल हमारे पास जो स्टील था इस्पात इतना था, जिनमें से जो नष्ट हुआ दोस्तों वो कितना नष्ट हुआ ये, ठीक है, वो जो नष्ट हुआ है ये x बट्टे बारह, इतना हमारे क्या हो दोस्तों, ये हमारा नष्ट हो गया, कुल इस्पात इतना था जिनमें से इतना भाग नष्ट हो गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के चलेंगे, तो इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बारह हो जाएगा, ठीक है ना, ऊपर से उतारेंगे x फिर गुना का निशान, तो एक के टोटल में बारह आता है बारह बार में, ठीक है, फिर ये माइनस है तो माइनस का निशान यानी कि घटा का निशान, फिर ऊपर से उतारेंगे x, फिर 12 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 12 आएगा तो एक बार पढ़ देंगे, ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें ये बचपन में सिखाई जाती है, अब ये नहीं कि बचपन मजे करते रहें, 12 को x से गुना करें कितना हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा माइनस का x, ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा 12x में से अगर एक बार x चला गया तो कितनी बार बचा हमारे पास, तो ये बचा हमारे पास 11x, ठीक है ना, ठीक है, कितना बचेगा ये 11x और नीचे कितना बचा हुआ है 12, ठीक है, तो अब मेरे पास जो बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दीजिए सामने, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप वो प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों जो कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपसे बेहतर स्टूडेंट कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है, बस ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, अब ये जो बचा भाग दोस्तों, ये मेरे पास बचा हुआ है, देखिए अब कुल इस्पात कितना था, इतना था, और बचा भाग कितना, इतना है, तो इसी को हम क्या करें दोस्तों, इसी को हमें क्या करना है, बराबर में रख देना है, अब हम कैसे बराबर में रखेंगे, चलिए अब हमें क्या करना है कि शेष भाग जो बचा हुआ है, ठीक है, तो कितना हिस्सा लगाओ, एक तो मेरे पास ये है, कितना है दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 11x और ये 12, तो ये बचा हुआ भाग है, और एक हमारा बचा हुआ भाग कितना है दोस्तों, ये वाला, तो 87.12, ठीक है, अब हमें पता है कि 11x इधर ही लिखेंगे और ये हो जाएगा 87.87.12, क्योंकि पॉइंट के पीछे दो संख्या, तो यहाँ पे हम दो जीरो लगाएंगे, ठीक है, दो जीरो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप ऐसा काम कर सकते हैं कि ये जो 12 है दोस्तों, ठीक है, तो 12 को आप उस तरफ लिखिए, यानी कि आपको पता है कि जब 12 इधर भाग में तो उस तरफ चला जाएगा ये गुना में, तो 12 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब ये हो जाएगा 11, तो 8712, ठीक है, और ये हो जाएगा 12, अब ये क्योंकि गुना में दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास भाग में, अब इन दोनों को गुना करिए, ठीक है, अब इन दोनों को गुना करिए, ठीक है, और 11 से भाग कर दीजिए, तो चलिए हम इसको पहले गुना कर लेते हैं पॉइंट के साथ, ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब गुना कर रहे तो पॉइंट हमें नहीं सोचना है, ठीक है, तो कैसे गुना करेंगे, 871, ठीक है, 8712 यानी कि 87.12, ठीक है, और गुना में कितना हो जाएगा ये 12, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2 हो जाएगा 2, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, 8 कितना हो जाएगा 17, 1 × 2 = 2 बार में, 1 × 1 = 1, और 1 × 2 = 7 बार में, और 1 × 2 = 8 बार में, तो 4 × 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 4 × 1 कितना हो जाएगा 5, और 7 × 7 हो जाएगा 14, और 8 × 1 = 9, और 1 हासिल मिला के कितना हो जाएगा 10, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हमने गुना किया तो पॉइंट ध्यान में रखा था नहीं, लेकिन अब हमें पॉइंट ध्यान में रखना है, अब हमने देखा कि पॉइंट के पीछे कितनी संख्या, पॉइंट के पीछे जो दोस्तों ये दो संख्या है, ठीक है, तो पॉइंट के पीछे दो संख्या है, तो दो छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो ये 4 भी छोड़ दीजिए और ये भी 4 छोड़ दीजिए, तो 2 छोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 10 × 45.44, 10 × 45.44, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, अब इसको हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कितना है, ठीक है, 10, ठीक है, 10 × 45.44, ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना, बटे में 11 है,
तो अब हमें क्या करना है, इसको भाग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में दोस्तों, तो पॉइंट में हमें भाग करना है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि हमें भाग को भी ज़्यादा ध्यान में पॉइंट में नहीं रखना है, ठीक है। तो भाग भी करना सीख जाते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, कहीं भी भाग कर दीजिए, वो आपकी एडिंग है, आंसर इससे मतलब है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भाग कर लेते हैं, ठीक है, तो 1045.44, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, नहीं दिखाई देगा तो चलिए इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। अब ये हुआ बढ़िया, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे सवाल कर रहे हैं। तो 11 से हमें क्या करना, भाग करना है, तो 11 के 12 में 104 आता है, नहीं आता, तो 104 से कम आता है, जी आता है, 9 बार में 99 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे उतारेंगे दोस्तों, 4 में से 9 नहीं जाएगा, तो 4 0 7 से ले लेगा, और 0 के पास में नहीं तो 0 1 7 से लेगा, तो यहाँ पे कितना दोस्तों 14 हो जाएगा, तो 14 में से 9 को घटाएंगे तो 9, तो कितना बचेगा 5, ठीक है। फिर ऊपर से कितना उतारेंगे दोस्तों 5, तो 11 के 12 में 55 आता है, कितनी बार में, 5 बार में, यहाँ पर लिखेंगे 55, ठीक है, तो 0 0 यहाँ पर हमारा बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेकिन एक काम करना है, ठीक है दोस्तों, वो काम हमें क्या करना है कि थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है ना, और वो चीज़ क्या ध्यान देना है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, वो ध्यान देना पॉइंट का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, पॉइंट गड़बड़ किया आपने तो पूरा आंसर ही बेकार हो जाएगा, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे दोस्तों, तो पॉइंट क्या करना, पॉइंट यहाँ पे लगाइए, ठीक है ना। अब आप ऊपर से क्या उतारेंगे 4, फिर ऊपर से क्या उतारेंगे 4, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि 2 नंबर उतार दिए, जब भी हम 2 नंबर उतारेंगे दोस्तों एक साथ, तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना, 0 यहाँ पे लगा देना है। अब 11 के टर्न में 44 आता है 4 बार में, ठीक है, बस अब ये काम बन गया, 4 में से 4 के 0 और 4 में से 4 के 0। तो हमारे पास जो आंसर है दोस्तों, अब मैं बात करूँ इस पूरे सीरीज को, इस पूरे को सॉल्व करने पर काट के कितना आ गया, 95 पॉइंट, यानी कि 95.04 मीटर का स्क्वायर। और यही आपका क्या दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि देखते देखते आपने आंसर प्राप्त कर लिया, और यही हमारे क्या दोस्तों आंसर है। तो अब मुझे बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए कि क्या ये आपको समझ में आ गया, यानी कि टंकी को बनाने कुल कितना हिस्सा लगा था, वो लगा था 95.04 मीटर स्क्वायर, ये हो गया कुल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अलग से कि टंकी को बनाने में, ठीक है लगा कुल इस्पात, आपको याद हो हमेशा के लिए, तो इस्पात का मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टील, कितना लगा दोस्तों, ये लगा 95.04 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे यकीन है कि आप ये कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो, और जिसको भी आप शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन इसलिए दबाना क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें देखते किस तरीके के सवाल हम आपके सामने कराते हैं, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ओके, नमस्ते एंड बाय।